Hello everybody, I am Roberto Ferrari from the University of Ferrara, and I'm here to tell you that to have elevated blood pressure is bad. It damages the heart, the brain, and the kidney. And the problem is that you do not feel the level of pressure in the pipes of your body. For this reason, hypertension or high blood pressure is considered the silent killer. This is because there is too much salt in your meal. So please, my message to you is please, please reduce the salt in your meal. Cook with less salt. Remember, this is an SOS. Step down with your salt. It's very important for your health. Of course, this can be done, and Dr. Rajan Isaacs will tell you how to do it. कार मैं डॉक्टर राजन आइजिक सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट दीपक किडनी केयर सेंटर लुधियाना से आपके पास आया हूँ. ये अवेयरनेस प्रोग्राम डॉक्टर रोबर्टा फेरारी ने स्टार्ट किया है एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हाइपरटेंशन अमंगस्ट द जनरल पब्लिक. जैसे कि आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर जो है 40-50% लोगों को पे होता है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इसकी प्रेवलेंस बढ़ती चली जाती है. अब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है उसके प्रेशर को बोलते हैं. हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140/80 के आसपास होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए. इससे जैसे जैसे ज़्यादा होता चला जाता है हमारे नसों में प्रेशर बढ़ता जाता है और नसें हमारी डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर हो सकता है. ये एक साइलेंट किलर है जिसके बारे में कोई सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ टेस्ट करने पर ही पता लगता है. इसका सबसे बड़ा कारण जो है हमारे खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से होता है. अगर हम अपने नमक को कंट्रोल में लाते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. आम हमारे खाने में 11-12 ग्राम नमक हम लोग कंज्यूम करते हैं जो कि रिकमेंडेड के हिसाब से जस्ट डबल है. हमारे खाने में अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम्स से ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए. अगर हम खाने में नमक का सेवन कम कर देते हैं तो हम ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं. ज़्यादातर लोग जो आटा बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, चावल बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, अचार वगैरह इस तरीके के खाने के पदार्थ होते हैं जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. अगर हम इस चीज़ को कम कर दें और बंद कर दें तो नमक का सेवन काफ़ी कम हो सकता है और उससे हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है. तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी नमक की मात्रा को कम करते हैं तो हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं. थैंक यू.